कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को गाजियाबाद में पार्टी प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव अभियान की ये पहली बड़ी रैली रही। यही कारण रहा कि कड़ी धूप के बावजूद प्रियंका के रोड शो में भी भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को माल्यार्पण से किया गया। रोड शो में प्रियंका ओपन रूफ कार में प्रत्याशी डॉली शर्मा के साथ मौजूद थी। बीच बीच में प्रियंका ने भीड़ के साथ सेल्फी ली और लोगों से हाथ भी मिलाती रहीं। रोड शो में प्रियंका ने कहा, वो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि सत्ता आपके हाथों में हो। किसान प्रताड़ित है, वह अपनी आवाज उठाता हो तो उसे दबा दिया गया। यही नहीं, युवा, महिला, आशा वर्कर, सभी की आवाज दबाई जा रही है। रोजगार हो या शिक्षा, सभी पर आपका हक है। अब समय आ गया है कि सोच समझ कर वोट दें। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि 5 साल बाद जब प्रचार करने निकले हैं, एक उपलब्धि नहीं गिना सकते। वे कहते हैं, नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रियंका गांधी ने चुनावी रोड शो किया है, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया और बिल्कुल सहज अंदाज में प्रियंका गांधी नजर आई। लोगों के साथ सेल्फी भी लेती नजर आई, हाथ मिलाती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। इस दौरान डॉली शर्मा के साथ गाड़ी में प्रियंका सवार होकर रोड शो में शामिल हुई। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।